हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी मंचूरियन फ्राइड राइस। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मंचूरियन फ्राइड राइस बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए: कैबेज, कैरेट, फ्रेंच बीन्स, स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट एंड ग्रीन, और कैप्सिकम छोटा छोटा पीसेस में कट के रखा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून मैदा और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिजवान सॉस। ऑयल यूज़ करूँगी 1.5 कप। बासमती चावल वॉश करके रखा, 2 ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, 2 इंच जिंजर बारीक चॉप करके रखा, 10 पीस गार्लिक बारीक चॉप करके रखा, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहले राइस बनाऊँगी, इसके लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया और 1 चम्मच ऑयल अच्छी तरह से मिक्स करने की हूँ। और जो बासमती चावल को वॉश करके रखा सारे पानी में ऐड कर देती हूँ। और बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, 80% ही कुक कर दूँगी। बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, जो वेजिटेबल लिया वो थोड़ा आधा पोर्शन मैं राइस में यूज़ करूँगी। सारे वेजिटेबल थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया वो ऐड कर देती हूँ, तो मंचूरियन बॉल्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, कॉर्नफ्लोर क्रिस्पी बनाएगा। और बाइंडिंग के लिए मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत पानी ऐड करूँगी, नहीं तो जो वेजिटेबल है उसको पानी से अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाता है। बाकी मैदा भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया और ग्रीन चिली ऐड करके अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लेती हूँ। वेजिटेबल में बहुत ही पानी रहता है तो इसके लिए पानी का यूज़ नहीं होगा, ऐसे ही बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छी तरह से बाइंड हो गया, अभी हाथ क्लीन कर लेती हूँ, फिर मंचूरियन बॉल्स बनाऊँगी। राइस 80% कुक हो गया, अभी पानी स्टेन कर लेती हूँ। सारे राइस ऐसे स्टेन करके एक प्लेट में निकल लिया और अच्छी तरह से फैला के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। हाथ क्लीन कर लिया, छोटा छोटा मंचूरियन बॉल तैयार कर लेती हूँ। ऐसे सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे मंचूरियंस बॉल बना के तैयार कर लिया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल गर्म हो गया, अभी जो मंचूरियंस बॉल तैयार किया तो फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप कर लेती हूँ, चारों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई करके हो गया, बहुत ही अच्छा कलर आया, अभी प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेती हूँ। सारे मंचूरियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया, निकाल लेती हूँ। दूसरा कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल गर्म होते जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली 1 मिनट अच्छी तरह से सॉल्ट कर लेती हूँ। ऑनियन ऐड कर देती हूँ, सारे वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ। हाई फ्लेम में 5 मिनट कुक कर लेती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देती हूँ।
दो मिनट हो गया। अभी जो सारे सॉसेस लिया वो ऐड कर देती हूँ। एक ग्रीन चिली सॉस, तीखा अपना जैसे चाहिए उसी हिसाब से ऐड करने का। एक चम्मच विनेगर, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच शेज़वान सॉस। सारे सॉसेस ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सारे कुकिंग हाई फ्लेम में करने का, चाइनीज हाई फ्लेम में ही होता है, और वेजिटेबल ज़्यादा कुक नहीं करने का, क्रंची रहेगा तो ही अच्छा लग रहा है। अभी जो मंचूरियन बॉल्स फ्राई करके रखा था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सारे सॉसेस के साथ मंचूरियन बॉल्स अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। सारे मंचूरियन बॉल्स सॉस के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया। अभी जो राइस बना के रखा और राइस ऐड कर देती हूँ और दोनों स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल और मंचूरियन के साथ राइस को ऐसे टॉस कर लेती हूँ, नहीं तो राइस टूटने लगेगा। इसके लिए ऐसे बहुत ही इजी से मिक्स हो जाता है और जो बाकी रहेगा ऐसे हाथों से ऐसे मिक्स करते जाने का, फिर से और एक बार टॉस कर लेने का। मंचूरियन फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया। अभी गैस बंद करके सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी मंचूरियन फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया, बहुत ही इजी से बन जाता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।